The sixth day of Christmas, my true love said to me, "Oh, where are the lights? Lights कहाँ गई? Oh, on the sixth day of Christmas, my true love said to me, "Nari da dum." टेरी, तू बहुत प्यारा आदमी है। तू इतना प्यारा नौकर है मेरा, नौकर है मेरा, नौकर है साले, तू नौकर। टेरी, यू आर अ गुड मैन, यू आर द बेस्ट ड्राइवर। थैंक यू सर। टेरी, यू नो दैट गर्ल हु, वो लड़की है ना, वो तो क्रिश्चियन लड़की, दैट क्रिश्चियन गर्ल हु वर्क्स इन द फैक्ट्री। यस मिस्टर बाबा। मीनू, remember yes. Meenu? Yes, indeed. She's a lonely girl. She has no one. Do you know where she lives? Yes, I do. Can we go and say hello, Merry Christmas to her? Yes, of course, Mr. Verma. Do you know where she lives? I know exactly where she lives, sir. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas on the sixth day of Thank you. We must say Merry Christmas. Merry Christmas. Want to come? No. Okay. You stay here. Always. You stay here. Always. Say Merry Verma? Meenu ji, namaste. Namaste. Merry Christmas. आप क्या कर रही थी? थी? जी, मैं क्रिसमस ट्री से जा रही थी। लेकिन आप क्या कर रहे हैं यहाँ? अरे, मैंने सोचा कि आज क्रिसमस है ना, तो चारों तरफ लोग खुशियां मना रहे हैं, तो हमने कहा कि चलो हम भी किसी खूबसूरत लड़की के साथ क्रिसमस मना लें। आज जो है ना, आप ना तो मीनू जी हमारी फैक्ट्री में काम करने वाली लड़की हैं, और ना हम आपके मालिक वर्मा हैं। आज तो हम तुम्हारी तुम्हारी खूबसूरती का निखार देखने आए हैं। वर्मा जी, आपको ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। अरे शर्म की क्या बात है, हम तो तुम्हें तुम्हारे काम का बोनस देना चाहते हैं। बोनस? हाँ। बोनस तो आप फैक्ट्री में भी दे सकते थे। तो तुम मेरा स्वागत नहीं करोगी? तुम कहीं मुझे ड्रिंक व्रिंक पिलाओ, खुद को कॉफी वॉफी और नहीं चलेगा, ड्रिंक व्रिंक पिला दो। जी, मेरे पास कोई ड्रिंक नहीं है। अरे ड्रिंक नहीं, जो तो देखो हमारे पास है ड्रिंक, ये हमारे पास ड्रिंक है, आप पीते हैं। वर्मा जी, आप यहाँ से चले जाइए। नहीं तो नहीं तो क्या? नहीं तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। अरे कर लो पुलिस को फोन, कर लो कर लो। पुलिस तो मेरी जेब में रखी हुई है। 9 9
Yes, can I help you? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो? क्रिसमस की रात भूल गए आप? इतनी जल्दी में? अरे मीनू, how are you? कैसी हो? आ बैठो, बैठो। हमारे बच्चे की मां बनने वाली हो, पर मीनू जब बच्चा पैदा होता है तो उसके माथे पे तो नहीं लिखा होता कि बाप का नाम क्या है। अब बच्चा पैदा करके क्यों अपनी जवानी को गुडबाय कह रही हो? आप समझते हैं कि आप अपनी दौलत के सहारे किसी भोली भाली लड़की की जिंदगी से खेल सकते हैं? मेरे ख्याल में तुम्हें एक लफ्ज होता है रिश्ता, उसका कोई खास एहसास नहीं है। रिश्ता? हाँ रिश्ता, जब इज्जत वाले लोग, हम जैसे लोग, जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम उसे रिश्ता कहते हैं, और रिश्ते के कारण कभी कभी शादी भी हो जाती है। तो हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं, मगर वर्मा यहाँ का एक रईस माना जाता है, तो उसकी शादी जब होगी तो उसकी अरेंजमेंट में, उसके इंतज़ाम में दो एक दिन या चंद हफ्ते नहीं, कई महीने लग जाएंगे, एक बात। और दूसरी बात ये कि आप चाहती हैं कि वर्मा सारी दुनिया से ये कह दे कि भाई शादी तो हम कर रहे हैं, मगर बीवी हमारी जो है वो साथ दहेज में एक बच्चा भी ला रही है। मैं आपका मतलब नहीं समझी। अरे मीनू, तुम वाकई कितनी भोली भाली बच्ची हो। अरे भाई, बच्चा होना कोई जरूरी तो नहीं है, कुछ और भी अरेंजमेंट हो सकता है। क्या अरेंजमेंट? अरे अबॉर्शन? मीनू, मेरा बच्चा होगा,
और उसके माथे पर तुम्हारा नाम लिखा होगा। मिनू, you're fired. Mr. Verma, please. It's for you. I know. It's for me, baby. Who is it? She won't give a name. All right, I'll come. मेरी आवाज भी नहीं पहचानते। मीनू, कैसी हो? आज इतने दिन बाद याद किया। कहाँ से बोल रही? मेरे फ्लैट के पास जो टेलीफोन बूथ है वहीं से बोल रही हूँ। हमारे फ्लैट के पास? लेकिन अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ आपका बेटा भी है। उसे मैं टेलीफोन बूथ में छोड़कर जा रही हूँ। आइए और उसे ले जाइए। देखो देखो मीनू, शायद तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है। मैंने तुमसे कहा था ना कि बच्चा बाप का नाम माथे पे लिखा हुआ नहीं लाता। माथे पर नहीं, लेकिन उसके साथ एक हस छोड़कर जा रही हूँ जो ये साबित कर देगा कि बच्चा आप ही का है। क्यों चुप क्यों हो गया? Hello!
बच्चा टेलीफोन बूथ ने बच्चा देखो तो सही बच्चा इसके माँ इसके बाप कहाँ होंगे कहाँ होंगे इसके माँ बाप किसी की टूटे दो
भाइयों, खुशखबरी लाया हूँ। कानून ने इजाजत दे दी कि सुंदर बच्चे को हम अपने पास रख दें। आज के बाद मैं चाहता हूँ कि इसका नाम हो जयदास। बेटे, आज से तू जयदास। मुझे माफ कर दो मीनू, मुझे माफ कर दो। मैं वाकई गुनाहगार हूं। मैं वादा करता हूं कि अपने गुनाहों का प्रायश्चित करूंगा। आज से और कोई नहीं मेरी जिंदगी में आएगी। मीनू, तुम नहीं, मणि। मुझ में वर्मा मर गया। मुझे माफ कर दो मीनू। नमस्ते वर्मा जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरिदास जी। आपको मैंने जहमत दी इसलिए कि मैंने सोचा कि पैसे कुछ कम दिए जा रहे हैं। पांच हजार पाउंड वर्मा जी, आप बहुत दयालु हैं। नहीं, दयालु क्या, बस एक हकीर सी रकम है, ले लीजिए। इन पैसों से कुछ दो घड़ी के लिए खुश हो जाते हैं लोग, तो इसमें क्या बुरा है। ये आपके शिष्य हैं? जी हाँ, ये मेरा शिष्य है। क्या नाम है बेटे तुम्हारा? इसका नाम है जय। बेचारा यतीम है, मुझे टेलीफोन बूथ मिला था जब ये चार पांच दिन का था। अब हमारे आश्रम में पलता है। बेटी जय, वर्मा जी को नमस्ते बोलो। हरे कृष्णा वर्मा जी। नहीं नहीं, ये तुम्हारे अंकल हैं, बहुत दयालु आदमी हैं, इनको अंकल जी करके पुकारो। हरे कृष्णा अंकल जी। हरे कृष्णा बेटे। अच्छा वर्मा जी, हरे कृष्णा। आओ बेटे, आओ।
अंकल फिर कैच कर लिया, बोल दीजिए। हाँ हम तुम्हें बॉल दे देंगे, मगर एक दफा तुम हमें गले लगा कर यूं प्यार कर लो बेटे। अंकल प्लीज डोंट कॉल मी बेटा। अच्छा भाई लो बॉल, अभी बॉल अभी खुश की। अंकल आपने फिर कैच कर लिया। अरे बेटे तुम्हें कैच करना इतना आसान नहीं है, कितना इंतजार करवाया तुमने। मैंने आपको कितनी बार कहा है मुझे बेटा मत कहा कीजिए। अच्छा भाई छोड़ भूल हो गई, मगर तुम्हें हमेशा बेटा समझते आए हैं, हमेशा से तुम्हारे फैन रहे। मुझे बेटा लव से सख्त नफरत है, आप तो जानते हैं मेरा बाप नहीं है। तो हमें बाप बना दो। देखो अंकल झगड़ा हो जाएगा। अच्छा भाई नहीं चलो चलो छोड़ो, सिर्फ ये बताओ कि तुम्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गई। मेरे ख्याल में एडमिशन तो मिल ही जाएगी, बस पोस्टमैन का इंतजार है। वाह I love you too, बेटी। बोलो क्या बात है? Good news, Daddy. मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गई है। Congratulations, बेटी। Daddy, आपको अपना वादा याद है ना? आपने कहा था यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलते ही मैं तुमको स्पोर्ट्स कार लेके दूंगा। हाँ बेटी याद है, मैंने तो पहले ही से ऑर्डर दे रखा है। मुझे मालूम है कि मेरी बेटी बहुत इंटेलिजेंट है, आज ही डिलीवर हो जाएगी। Oh, Daddy, thank you. You're wonderful. Mommy, ta-da, I got it. Slate
idiot! अगर देखा जाए तो जो कार्रवाई आपके थोपड़े पर छप गई है, अगर बाय चांस ये इनायत मेरे मुखड़े पे हो जाती तो मैं शीला को इडियट ना कहता, बल्कि ये मिसराब करता हूँ। मैं देखने की चीज़ मुझे बार बार देख। मिस्टर सलीम और श्रीमान, अगर तुम्हारे पास अगर का स्टॉक इतना ज़्यादा है कि जी चाहता है तुम्हारा नाम अगरबत्ती रख दूँ। मुसाफिरों लोग गाड़ी वापस आ रही है, छा सकता है तो छा जा, पूरी यूनिवर्स में एक ही पीस है। You ought to be. आपका मतलब है मैंने जानबूझकर माना कि ऐसी पेंटिंग आदमी की जानबूझ से बाहर है। अगर इन्हें आपकी सॉरी पर यकीन आ रहा हो तो क्या करना चाहिए? कागज पे लिख दूं? अगर कागज ना हो तो दिल पे लिख दूं इनके? अगर इनके पास दिल भी ना हो तो? अच्छा, तो इनके पास दिल भी नहीं है? जी बिल्कुल है, और अभी किसी को दिया भी नहीं। आपको चाहिए? Oh, shut up. चीज बुरी नहीं है अगर तुम अगरबत्ती कम बोला कर। जय हेलो, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। इकबाल का उम्दा शेर है। बहरहाल वेलकम अगेन टू द उर्दू क्लास, और हम आपको फिर उसी कहानी की तरफ ले चलते हैं। एक दरख्त आग में जल रहा है, तमाम परिंदे आंखें मूंदे जलने के इंतजार में बैठे। किसी ने उनसे पूछा, तुम्हारे पंख हैं, जाओ उड़ जाओ, अपनी जान बचा। सब ने कहा, नहीं, ये दरख्त हमारा घर है, साला साल हमने इसके फल खाए हैं, हम इसे तन्हा आग में जलता छोड़कर नहीं जा सकते। सर, yes. I'm sure वो सब परिंदे नर होंगे, नारी नहीं। Shut up you आश्रम वाला। सर आपका मतलब है हम नारियां वफादार नहीं होती? ये मैंने कब कहा? Give us a giant diamond. Money, baby, money. I haven't got any money. Give us the money or no deal. God's sake, I haven't got any money. No. Go. Cigarette पियोगे? No thanks. सबके लिए 5 pound, मगर तुम्हारे लिए आधी कीमत है। कहा ना, चरस नहीं पीता। एक बार पियोगे तो दिन में तारे नजर आ जाएंगे, आश्रम के चंदे। चल ले, मुफ्ती ट्राई कर ले। हमारी यूनिवर्सिटी लड़कियों को खराब करने की कोशिश की तो मैं तुझे देखूंगा। हम लोग उनके लिए तैयार हैं सर, आप फिक्र मत। ओह गुड गुड।
हेलो, कैसे? ठीक। अच्छा, मैं चलती हूँ। ख्याल में ये लड़की पागल है। और चार रंग पर अपनी टीम में दम ही नहीं है यार। Everybody's out, सिर्फ जय रह गया। वो भी क्या कर लेगा, यूं उड़ेगा। हमने तो 10 दिन पहले ही कह दिया था जीतेगी तो वेस्ट इंडीज की टीम। यानी आपने 10 दिन से सिकली मिस्टेक की हुई है कि वेस्ट इंडीज जीतेगी। ऑब्वियसली यार। नोट कर लीजिए, अगर जीत हुई तो अपनी यूनिवर्सिटी की होगी, अपना जय द ग्रेट बाकी है। अबे शट अप चमचे कहेंगे। यू शट अप। गुड लक जय। थैंक्स। जरा तमाम देखो पट्टे की क्या कॉन्फिडेंस और स्टाइल से जा रहा है। अगर जीतेगा तो पार्टी देगा। पार्टी और ये देगा आश्रम का चंदा। देखो जी एवरीबॉडी, बहुत हो गया। जय की टीम चाहे हारे या जीते, जय की तरफ से पार्टी हम देंगे। बाय द वे, आप कौन हैं? जी मैं जय का फैन फैन समझिए, वैसे मुझे वर्मा कहते हैं जी। अगर आप जय के पंखे हैं तो मैं जय की अगरबत्ती। अच्छा मिस्टर अगरबत्ती, आप मुझसे मिलिए। नौजवान से ऐसे प्यार करे, इसको कहते हैं मैनहुड, यानी मर्द होने की निशानी। शाबाश जय, क्या बात है, उठाओ इसको। आप सलीम सजीदा आप लोग साथ सलीम, ये बताइए कि लोग आपको मिस्टर अगरबत्ती क्यों कहते? वर्मा साहब मुझे बार बार अगर कहने की आदत है ना, इसलिए। अगर कहने की आदत क्या? जी हाँ, जैसे कि इंग्लिश में कहते हैं ना इफ इफ अगर, तो मैं अगर ये वह तो वो अगर अगर अगरबत्ती इफ मिस्टर अगरबत्ती एंजॉयिंग यस महफिल आशिक में साकी ने कर दी खुद तमीज। वाह वाह क्या बोला है जालिम। महफिल आशिक में साकी ने कर दी खुद तमीज, जाम भर कर कह दिया तेरा तुम्हारा तालियां। वाह वाह वाह। हाय जूलियट,
Bye-bye. Yeah, but yeah. Where's your drink? Yep. Here, Suna. अब ये हमें ये नहीं मानता कि शेर शायरी का शौक होता है। जी बिल्कुल। क्या? बिल्कुल। यार बड़ी। Yes. I'm not for me. Yes. Yes. Thank you. Salim. Yeah. Thank you. Refill your glass. Thank you very much. Good. Thank you very much. Thank you. पार्टी के लिए अंकल बहुत-बहुत शुक्रिया। It's your party. बहुत अच्छी पार्टी। Oh look. मैं। Yes. Go. So young man. Yes. Cheers. Cheers. Your drink. लगता है तुम्हारे ड्रिंक में किसने कुछ मिला दिया है। सब लोगों को मजा आ रहा है मेरे ख्याल में। बहुत मजा। चाहे किसी और कौन हो सकता है। चलो।
तो काफी तुम्हारे दोस्त यहाँ आए हैं, सारी क्रिकेट टीम ही है। सब लोग बहुत मजा। ऐसे यहाँ खर्चे। अरे कोई कोई बात नहीं, क्या बात है? तूने बदला लिया मुझसे छेड़ की? You silly pauper, you आश्रम के चंदे की औलाद। Stop it शीला, ये क्या कर रही हो? इसे मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिया है अंकल। अब कैसे मिला सकता है तुम्हारी ड्रिंक में कुछ? इसको रोकिए मत अंकल, इसने तो मेरे मुंह पर शराब का पानी फेंका है। मैं तो वो हूँ जिसे जान देने वाले ने पैदा करके फेंक दिया, उस पर गिला नहीं किया तो इसकी कैसी शिकायत। ले ये भी ले। क्या देख रही है अमीर की बेटी, ये भी फेंक। उस दिन तुम्हारी ड्रिंक में डायमंड ने कुछ मिलाया था। रियली? ओ माय गॉड, मैंने बेचारे जय को खामखा बेइज्जत कर दिया। चक्कर माफी मांग ले उसे। शीला, मुझे पता चला है कि उस दिन तुम्हारे ड्रिंक में डायमंड ने कुछ मिलाया था। रियली? हाँ। माय गॉड, मैंने बेचारे जय को खामखा बेइज्जत कर दिया। नहीं, अब क्या होगा? चक्कर माफी मांग ले उससे। कल रात के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जय, जो किताब ढूंढ रहे हो वो मैं हूँ। किताब पसंद नहीं आई? बहुत कीमती है।
वो कौन था जहां में जो खरीदता हमें, हम बिक गए सुलू के खरीदार देखकर। कौन था जहाँ में जो खरीदता हमें, हम बिक गए सलू के खरीदार देखकर। हेलो शीला, कैसे जाना मैं हूँ? मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा है ही कौन? चलो झूठे कहेंगे। नहीं नहीं, सच बोल रहा हूँ। सोच रहा था कि तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ कहाँ से शुरू करूँ। कहाँ से शुरू करना चाहते हो? तुम्हारी सेक्सी आंखों से। अच्छा फिर
तुम्हारे गुलाबी होंठ, वो खूबसूरत सुराहेदार गर्दन, फिर पर्वत की ऊंचाइयां और धरती की गहराइयां, और फिर शायर साहब, शीला, तुम्हारे हुस्न की तारीफ करने का दम लफ्जों में नहीं है। जे शीला, तुम्हें इतनी मीठी मीठी बातें करनी किसने सिखाई? जिससे बात कर रहा हूँ उसने। आगे तारीफ नहीं करोगे? अगर मैं कुछ और कहूंगा तो तुम्हें नींद नहीं आएगी। क्या सोच रही हो? कुछ भी तो नहीं। तुम क्या सोच रहे? ये सपना कितना खूबसूरत है। यकीन नहीं आता ना। जानती हो दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज क्या है? एडम और ईव के वक्त से लेकर आज तक भगवान ने सबसे खूबसूरत चीज बनाई है, दो रूहों का मिलना। जब दो प्यार करने वाले मिलते हैं, दो बदन, दो रूहें एक हो जाती हैं और प्यार 100 गुना बढ़ जाता है। ये कुदरत का असूल है ना? कितनी खूबसूरत हो तुम। मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे? क्या
बाय। अकेले अकेले खा रहे हो? बिल्कुल नहीं। लीजिए ये, नहीं ये वाला। जय साहब जय, हम आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाए हैं। खुशखबरी? हाँ, इंडियन क्रिकेट बोर्ड वाले चाहते हैं कि अगले टेस्ट मैच में आप उनके लिए खेलें। हुरे! टेस्ट मैच सर? हाँ हाँ, और हमने उनकी ऑफर तुम्हारी तरफ से मंजूर भी कर ली है। थैंक यू सर। जे, ये तुम्हारे लिए बड़े फख्र और यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बड़ा ऑनर है। सर ये हम लोग के लिए भी है। ये ऑनर कायम रहेगा सर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। गुड, गॉड ब्लेस। बाय द वे, हमने उन्हें यह भी बता दिया है कि आप इस मुल्क में पैदा होने के बावजूद इंडियन नेशनल ही हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। मियां साहबजादे, अब आप ये इश्कबाजी ख़त्म करके बहुत सीरियसली क्रिकेट की तरफ तवज्जो दें। यस सर। दैट मींस नो मोर रोमांस। यस मैच। नाउ प्रैक्टिस टाइम। Hello, Jay. Hello. Come to wish you luck with the test match. Thanks very much. What are you doing? I just thought I'd help you relax a little. No, I've always liked you, Jay. No, Susan, please. Oh. Please. Come on, Susan, Jay. Please. Relax. No, please, Susan. Don't. Please. Relax. Oh, what? Oh. What are you doing? Jay? ये क्रिकेट मैच की तैयारी हो रही है? शीला, तुम गलत समझ रही हो, मेरा इस लड़की से कोई वास्ता नहीं है। हाँ, बहुत खूबसूरत हो गए हो ना, जो लड़की तुम्हें एक बार देख लेती है जबरदस्ती तुम्हारे गले पड़ जाती है। मेरा यकीन करो। बहुत हुआ, गुड बाय ना। Worth like a dream. Yeah. Great, Susan. Oh, thanks, darling. Yeah. Came in just at the right time. She did. Great. As promised, eh? Come on, let's go. I love you.
बनाना पड़ा। कहाँ जाओगे तुम मेरे बिना? देखो तुम्हें अब आना पड़ा। हाय हाय। आप लोगों को ढूंढना मुश्किल है, कितनी दूर से चल के आ रही हूँ। हम तो यहाँ पर हैं, आप शायद जाय को ढूंढ रहे होंगे। हाँ, आपने देखा नहीं अभी, आई थिंक वो पवेलियन की तरफ गए, आपको मिले नहीं? अच्छा, वो नहीं देखा एक्चुअली। इसका पहला मैच है ना, तो वो बहुत नर्वस हो रहा है इधर उधर के। वो नर्वस हो रहा है? मेरे को तो आप ज़्यादा नर्वस लग रही है उनसे। अच्छा, ये आपके लिए? ये मेरे लिए? जय के लिए लेके आए हैं आप? नहीं, जय को ये दूंगी आप। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। ओके। अच्छे अशोक। क्या सोच रहे हो? कल के क्रिकेट मैच के बारे में और मैं कैसे खेलूंगा। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो फ्रॉम मी टू यू। टू जे विद ऑल माय लव शीला। थैंक यू। Yours? Julia. Who? Julia. Julia. Okay. Yours? Nina. You're a cricketing fan? Okay. No pen? Thank you.
Hello. I'm at the hospital where Jay, the new Indian star batsman, has been brought after being hit by a bouncer in the test match. Jay had scored 196 not out when he was hit. He was batting so well, he was likely to score not only a double, but a triple century. We will keep you informed as to his progress. This is John Peter at the hospital signing off. कांता, ये हमारी बेटी शीला नहीं लगती? हाँ, शीला ही तो है। लेकिन ये अस्पताल में क्या कर रही है? मालूम नहीं क्या कर रही है। मैं जाकर देखता हूँ क्या बात है। सुनिए, जाकर फोन जरूर कीजिएगा। घबराओ नहीं। जैसे खूनी रिश्ता है? जी, इनका सबसे करीबी रिश्ता सिर्फ आश्रम वाले हरिदास से है। मैं उन्हें जाकर ले आता हूँ। हो सकता है एग्जामिनेशन के बाद ऑपरेशन के लिए उनकी इजाजत लेनी पड़े। ठीक है, आप बताइए। हो जाएगा ना? हाँ ठीक, ठीक हो। मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ जी पूछो। आपका जय से क्या रिश्ता है? ना समझो बेटी तो कोई रिश्ता नहीं, और अगर समझो तो काफी गहरा। अंकल, ये तो सारी यूनिवर्सिटी जानती है कि जय जहाँ कहीं भी खेलता है आप वहाँ ज़रूर होते हैं, पर हम सबको मालूम है कि आप उसे कितना प्यार करते हैं। आप सुबह से यहाँ बैठे हैं, आप घर क्यों नहीं चले जाते? मैं यहाँ हूँ ना, आपके घर वाले आपका इंतज़ार कर रहे हो। हाँ बेटी, मेरे घर वाले इंतज़ार कर रहे होंगे। अगर यही सवाल मैं तुमसे करूं बेटे? नहीं, वो जय क्रिकेट फील्ड में जख्मी हो गया था, मैं उसके साथ ही आई हूं। जय? ये हिंदुस्तान का जो नया खिलाड़ी जख्मी हुआ है वो? जी हाँ, हम साथ पढ़ते हैं। ओ, बेटे टेलीफोन कर लिया होता, हम बड़े परेशान थे। नहीं, वो अचानक ही हो गया ना, बिल्कुल खबर नहीं थी।
और मैं उसे अकेला छोड़ के ऐसे नहीं जा सकती, उसके पास कोई भी नहीं है। वो ऐसे ही, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी बता। सिस्टर, एक्सक्यूज मी सिस्टर, हाउ इज जय? बहुत सीरियस है, डॉक्टर उसे एग्जामिन कर रहे हैं। आप जाइए और भगवान से प्रार्थना कीजिए। थैंक यू सिस्टर। घबराने की कोई बात नहीं, प्लीज इन सेफ हैंड्स। लेकिन हम टेलीफोन करके पता करते रहेंगे। चलो घर चलें, वक्त बहुत हो गया है, तुम्हारी माँ बहुत परेशान है। जी मैं गाड़ी गेट पे ही ले आता हूँ। ओके चलें। हरिदास जी, इस कागज पे दस्तखत कर दीजिए ताकि हम जय का ऑपरेशन कर सकें। डॉक्टर साहब, दस्तखत तो मैं कर दूं, लेकिन मैं जय का बाप नहीं हूं। जय जब 4-5 दिन का था, मुझे टेलीफोन बूथ मिला था। अखबार के जरिए से मालूम हुआ कि उसकी माँ उसको टेलीफोन बूथ में छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। जय का बाप कौन है ये किसी को नहीं मालूम। उसका बाप मैं हूं। वर्मा साहब, आप? जी। आप हैं जय के बाप? जी। अब समझ में आया आपका बार बार आश्रम में आना, आपका जैसे प्यार। लेकिन वर्मा साहब, ये राज आपने अब तक क्यों छुपाया? आप तो जानते ही हैं हरिदास जी कि उसको इन दो अल्फाज बाप और बेटे से कितनी नफरत। कई दफ़ा कोशिश की कि मैं उसको बता दूं, मगर उसके मासूम से चेहरे को गुस्से से लाल होते हुए देखकर वर्मा अंकली बना रहा। कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि बता दूं कि बाप मैं। समझता हूँ। लाइए डॉक्टर साहब, मैं दस्तखत की देता हूँ। आपके नाम? दिनेश भारद्वाज। थैंक यू
कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर, आपने पेशेंट को मौत के मुंह से निकाल लिया। एन एक्सलेंट पीस ऑफ सर्जरी। इन हाथों के साथ ऊपर वाले की दुआ भी काम करती है डॉक्टर, लेकिन डर यह है कि इनको शायद थोड़े दिनों के लिए टेम्पररी पैरालिसिस हो जाए। देखें क्या होता है। ऑपरेशन कामयाब हुआ है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि 5-6 घंटे तक हम लोग नहीं मिल सकते क्योंकि कल से अभी होश नहीं आया। तो इसलिए मैं तो उसे मिल नहीं सकूंगा। मैं उसके लिए फूल लेके आया था और ये आप दे दीजिए मेरी तरफ से। और अब हम सब हिंदुस्तान जा रहे हैं। अच्छा। कल तो, और दूसरा ये कहना चाहता था कि He's been selected for man of the match. Really? So congratulations to you and to him. Can you convey my message, please? Yeah, I will. All right. I will. Okay. Thank you. Hello, bete. Kaise? Main aapka beta nahi. Jay. बहुत सालों से मैं एक बोझ अपने सीने पर ले लिए फिर रहा हूं। कई दफा चाहा कि इस बोझ को हल्का करूं, मगर कोई ना कोई दीवार मेरे सामने आ गई। क्या बात है? कोई 25 साल पहले मेरे हाथ से एक खून हुआ था। और मेरे दिल की अदालत ने मुझे उम्र कैद की सजा दी। बीवी होते हुए भी मैं पति ना बन सका और बेटा होते हुए मैं अपने आप को बाप न कहलवा सका। दौलत और शोहरत के बावजूद मैं कंगाल रहा। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं जय। मेरे गुनहगार? मैं कुछ समझा नहीं। मैं ही तुम्हारा बदनसीब बाप हूं। मेरी ही वजह से तुम्हारी मां ने खुदकुशी की। तुम जितनी नफरत चाहो मुझसे कर लो, जो सजा देना चाहो मुझे मंजूर है, मगर एक बार तुम मुझे अपना डैडी तो पुकारो। नहीं, नहीं, नहीं। मिस्टर वर्मा, बेहतर होगा कि आप यहां से चले जाइए। गेट आउट, गेट आउट। Doctor, please escort this man out of here and make sure he never bothers me again. क्यों बिखरे हुए हैं? मैं डैडी को मिलवाने नहीं हूं तुमसे।
जय, वो जो आदमी अभी अभी तुम्हारे कमरे से निकला है, क्या वो प्रकाश वर्मा नहीं? आप उसे जानते हैं? तुम्हारा उससे क्या संबंध है? काश मेरा उससे कोई संबंध ना होता। बदकिस्मती तो यह है कि वो मेरा बाप है। तुम्हारा बाप? तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है जी? ये तो खुशी का मौका है। I'm sorry, the patient is upset and awake. Could you leave him on his own, please? चलो बेटी, चलो यहाँ से चलें। ज़्यादा सवाल मत पूछो। बाप और बेटी खामोश क्यों है? क्या बात है? जय तो ठीक है ना? शीला, आज के बाद तुम जय को कभी नहीं मिलोगी। डैडी, ये अचानक आज आपको क्या हो गया है? बेटी, मैं जानबूझकर तुम्हें नरक की आग में धकेल नहीं सकता। नरक की आग? ये आप किसके लिए कह रहे हैं? मेरा जय, he's a wonderful man, I love him। शीला, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें तुम नहीं जानती। आज से बहुत साल पहले जब मैं पहली बार इंग्लैंड में आया था, तो एक शाम जब हम लोग फैक्ट्री से निकल रहे थे, तो एक मेरे दोस्त के साथ बहुत ही दुर्घटना हुई। तो उस दुर्घटना में मैं भी फंस गया था। मिल गई और चल दिया घर। इलीगल इमिग्रेंट, हमारा भी तो हिस्सा देते जाओ। आओ। ना। तीन पंजों की बनती है ट्रेन। अरे सर, काफी है तेरे लिए। वर्मा साहब, अपने वादे के मुताबिक रहीम तुम्हें 500 पाउंड दे चुका है। इस गरीब ने अपने खून पसीने की कमाई तुम्हें दी है, लेकिन आज के बाद रहीम से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। करमचंद, ये जब तक इलीगल इमिग्रेंट रहेगा ना, हमारा कर्जा देता रहेगा। जाल में फंसी हुई चिड़िया को यूं ही नहीं उड़ा दिया करते।
और अगर तुम्हें इतनी हमदर्दी है अपने यार से तो तुम दे दो इसके पैसे। मगर ये याद रहे कि अगर कर्जा ये नहीं चुकाता तो पुलिस का थाना भी यहीं पास है, और जो लोग नाजायज तरीके से यहाँ आते हैं उनके साथ यहाँ की पुलिस बड़ी बेरहमी बरतती है। भेज देगी वापस लुधियाने, ना ये कमाएगा ना मैं कमाऊंगा। सोच लो, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने देसी भाइयों की तरह इस तरह सलूक करते हुए, उनका इस तरह खून निचोड़ते हुए? रामजान, तूने अभी तक वर्मा का गुस्सा नहीं देखा, जबान संभाल कर बोल। अरे बहुत देखे तेरे जैसे लालची कुत्ते, गद्दार कमीने, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। दोस्तों उठाओ जाम मिलाओ हाथ, आज खुशी का दिन है। आप सब जानते हैं कि जय की 196 रन्स ने भारत की टीम की जीत की है। I say a toast to him. Cheers. Cheers. इतने निराश क्यों लगते हो? शीरज जरूर आ जाएगी। Oh come on Jay, cheer up. Julie, for God's sake, कभी तो सच बोलिया करो। शीला जय की नहीं क्रिकेट की दीवानी है, और अब माशे की हालत तो देखो, शायद जिंदगी भर बैट को हाथ न लगा सके। जय इसकी मत सुनो, जाओ शीला को फोन करो, चलो जाओ। हेलो करमचंद है? हेलो कौन है? जी मैं जय बोल रहा हूँ। जी शीला है? सॉरी यंग मैन, तुम उससे बात नहीं कर सकते। जी तुम मेरी शीला के लायक नहीं हो। जी मैं आपका मतलब नहीं समझा। मतलब समझना है तो अपने बाप वर्मा से पूछो, और आइंदा यहां पर टेलीफोन करने की फिर कभी हिम्मत नहीं करना, समझे?
शीला, ये छुप छुप कर किसे फोन किया जा रहा था? जवाब नहीं है ना? जय को फोन कर रही थी। डैडी, आपको जय से इतनी नफरत क्यों है? लगता है आप उसके बाप की सजा जय को देना चाहते हैं। मैं उसे चाहती हूँ डैडी। शट अप! डैडी, आपने मुझे इतनी आजादी से पाला है, यूनिवर्सिटी में तालीम दी है, आपको क्यों यकीन नहीं आता कि मुझे अपने बुरे भले की पहचान खुद है? बेटी, ऐसा कौन सा सुख है जो तुम्हारे लिए जरूरी था और मैंने इनकार कर दिया? ऐसी कौन सी खुशी जो तुम्हारे ख्याल में आई और तुम्हारे सामने नहीं ला दी गई? और तुम मेरी सिर्फ एक बात नहीं मान सकी? डैडी, अगर आप जय को मेरी नजर से देखते तो समझते कि आप मुझसे क्या मांग रहे हैं। बेटी, तुम हद से आगे बढ़ती जा रही हो। नहीं डैडी, हद से आगे तो आप बढ़ते जा रहे हैं। शट अप, शट अप! हरिदास जी, मैं अब बच्चा नहीं हूं। जय, मेरे लिए तुम अभी भी बच्चे हो। सीने से लगा पाला है मैंने तुझे। कैसे भूल सकता हूं, मेरे लिए क्या नहीं सहा आपने? मुझे भी सब कुछ याद है। जब तुम यहां से जाओगे, मैं उन यादों के सहारे जिंदा रहूंगा। लेकिन उसका क्या होगा जिसके पास न कल था न आज है, सिर्फ एक सपना है कि तुम उसको बाप कहकर पुकारो। हरिदास जी, आप उसके बारे में बात मत कीजिए, मुझे रंज होता है। रंज को काबू करो, कमजोर को कंधा दो, भूले को राहत दिखाओ, दुश्मन को भी प्यार से गले लगाओ, और जिससे गलती हो जाए उसे माफ कर दो। ये हमारे आश्रम की शिक्षा है जय। जो आप कह रहे हैं वो सच है, लेकिन जब उसका चेहरा देखता हूँ तो मुझे अपनी माँ की याद आती है, बेचारी बेसारा। ना जाने किन दुखों से थड़क थड़क के मर गई होगी। जय, तुम्हारे बाप ने अपने पापों का प्रायश्चित किया है, तुम उसे माफ कर दो बेटे, माफ कर दो। चाल सी चल जाते हैं मालूम नहीं क्यों, अपने भी बदल जाते हैं मालूम नहीं क्यों, मालूम नहीं क्यों।
ये सच है कि कुछ भी नहीं मिट्टी के खिलौने, ये सच है कि कुछ भी नहीं मिट्टी
You like the car? Quite nice, isn't it? I could buy it for you. You're a very attractive kid. बेटी गाड़ी कैसे लगी? डैडी चलेंगे यहाँ से, मम्मी लेट्स गो, आई वांट जय। चलो बॉस, वो बहुत मुश्किल काम है, वो जे की गर्ल है। तुझे गुस्सा है? मैं कोशिश करूंगा। शीला, मना करने के बावजूद तुमने उससे बात करने की कोशिश की? डैडी मेरी जबान पर ताला लगा दीजिए और पांव में बेड़ियां पहना दीजिए। शायद तुम वो तमाचा भूल गई हो। क्या कर रहे हैं आप, जाने भी दीजिए, खम खम बात को बढ़ा रहे हैं। बात मैं बढ़ा रहा हूँ या तुम्हारी बेटी, तुम बीच में मत बोलो। चलो शीला, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। डैडी आप सिर्फ अपना सोच रहे हैं, मेरी खुशी का आपको कोई ख्याल नहीं है। तुम्हारा अच्छा बुरा क्या है ये मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, तुम्हारी खुशी के लिए ही तो मैं लड़ रहा हूं। शरीफ लड़कियों की शादी उनके माँ बाप की मर्जी और आशीर्वाद के साथ होती है, ताकि वो अपने नए घर में इज्जत से रह सके। तो जय में क्या बुराई है, आप सिर्फ अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। आपकी दुश्मनी वर्मा साहब से है, जय ने आपका क्या बिगाड़ा है? बहस मत करो, तुम्हारी शादी जय से नहीं होगी, ये मेरा फैसला है। और अगर ये फैसला मुझे मंजूर ना हो तो? तो इस घर के दरवाजे उस तरफ है। जय, मुझे ये पूछने का कोई अधिकार नहीं कि तुम कहाँ जा रहे हो। हर इंसान को अपना अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ता है, लेकिन फिर भी। हरिदास जी, मैं यहाँ से हमेशा के लिए तो नहीं जा रहा, अपने मन की शांति खो बैठा हूँ। बाप का नाम कल तक एक साया, जिसे मैंने बचपन से नफरत की थी। ये कैसी नफरत की आग है? वर्मा बाप के रूप में मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है, मेरे अंदर एक कोई तूफान पैदा हो गया। मैं तुम्हारे दिल का दर्द जानता हूं जय। हरिदास जी, हो सके तो मेरी मां की तस्वीर मुझे दे दीजिए।
वर्मा जी, जय को समय दीजिए, उसे गुस्से को ठंडा होने दीजिए। वो कठोर नहीं है, जज्बाती है। मैं उसके रग रग को पहचानता हूँ। हरिदास जी, मुझे सिर्फ डर ये है कि वो गुस्से में अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मैं और कुछ नहीं चाहता, सिर्फ आप ये बता दीजिए कि कहाँ गया है। मैं वादा करता हूँ कि मैं दूर दूर से उसे देखूंगा, अपनी शक नहीं दिखाऊंगा उसे। वर्मा जी, मैं मजबूर हूँ। अरे तो मैं भी तो मजबूर हूँ। बस वर्मा जी, बस बस हरे कृष्ण पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे जय चाहिए, मेरे रास्ते का कांटा, कुरान करीम। You want Jay? Yes. We'll get Jay. Come on.
हेलो हेलो सलीम, सलीम मैं शीला बोल रही हूँ। शीला तुम? जय का पता नहीं चला, जय कहाँ है इस वक्त? जय तो प्रोफेसर साहब के यहाँ ठहरा है। हाँ, प्रोफेसर साहब के यहाँ? हाँ, वो प्रोफेसर साहब कनाडा गए हुए हैं और उतनी देर वो उनके घर ठहरेगा। वो रह रहा है यहाँ? अच्छा नहीं, उसका नंबर दो। 440-440-2216। अच्छा नहीं, मैं तुम्हें बाद में बात करती हूँ। ओके थैंक यू। हेलो जय, मैं शीला बोल रही हूँ। मैं घर छोड़ आई हूँ। नहीं, मैं हमेशा के लिए घर छोड़ आई हूँ। तो क्या करती जय, तुम नहीं समझते डैडी कितने खिलाफ हैं। मैंने समझाया, कितना समझाया डैडी को, कुछ मानती नहीं मेरी बात। मैं क्या करूँ, अब यहाँ खड़ी हूँ, स्टेशन है ये। I did everything possible to explain to me. He just wouldn't listen to me. Tum aao yahan. The train standing at platform 5A, the 1550 to Aston and all stations to Four Oaks. 1515 to Aston, then all stations to Four Oaks at platform 5A. The train standing at platform 4, the 1518 intercity service to London Euston, calling at Birmingham International and Coventry. A buffet car service will be available on the 1518 London Euston service at platform 4. क्या किया तुमने? इतना बड़ा फैसला इतनी आसानी से नहीं किया जाता है। जी मुझे गलत मत समझो, मैंने ये फैसला सोच समझ के किया है। मुझे यहाँ से ले चलो, चलो ना। कांता, कांता उठो। क्या है कांता? हम बर्बाद हो गए। क्यों, क्या हुआ? शीला घर छोड़कर चली गई। शीला घर छोड़कर चली गई? कहाँ गई होगी मेरी बच्ची? जाएगी कहाँ? वही बदमाश उसे बरगला कर ले गया होगा। जय के पास गई होगी। मैं अभी पुलिस को खबर करता हूँ। पुलिस को? पुलिस को मत बुलाइए, हमारी इज्जत का मामला है। इसके अलावा और चारा ही क्या है? बरसों की मोहब्बत, चाहत, लाड प्यार को छोड़कर एक छोटी सी बात के लिए ठुकरा कर चली गई। मैं भी जाता हूं, मैं अभी पुलिस को लेकर उसके पास जाता हूं। आई नो उसकी तो। नींद कैसे आए? तुम्हारी चाय ले आ। शीला, शीला क्या बात है? मैंने अच्छा नहीं किया ना, मामा डैडी को जब मेरा खत मिलेगा तो उन पे क्या बीतेगी?
लेकिन मैं क्या करती, मैं उनको भी बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें भी। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे डैडी को फोन कर दूँ? नहीं नहीं, ऐसा मत करना, ऐसा नहीं करना, मुझे बहुत डर लगता। I want Sheila. बॉस, शीला घर से भाग गई है। जय ने आश्रम भी छोड़ दिया बॉस। I don't want excuses. I want Sheila. करमचंद, इन इंजेक्शन से ज्यादा बेटी की जरूरत है। डॉक्टर साहब, आप तो जानते हैं कि शीला खामोशी से चली गई थी। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि इस वक्त वो कहां है। करम, जैसे भी हो बेटी को ढूंढ निकालो। कांता, घबरा, मैं शीला को कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालूंगा। तुम घबरा, धीरे रखो। Congratulations, you've got the job. You're now a university cricket team coach. Thank you very much, sir. Thank you. It's all right. शीला, शीला कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। एक खुशखबरी है शीला, क्या शीला ओ, या? क्या? मुझे नौकरी मिल गई है। नौकरी? मैं यूनिवर्सिटी क्रिकेट टीम का नया कोच बन गया हूँ। रियली? मुझे बोलो। नीचे उतारो, गड़बड़ हो जाएगा। क्या? एक खुशखबरी और भी है। क्या? दिखाओ। आप बच्चे के बाप बनने वाले हैं। मजाक कर रहे हो? औरत ऐसा मजाक कभी नहीं करती। खाना लगाती हूँ। शीला,
शीला तुम मुझे गलत ना समझो, यह हमारे प्यार की निशानी है जय, कोई पाप नहीं है। इस चार दीवारी में हम दुनिया को ठोकर मार कर जी तो सकते हैं, लेकिन बच्चे के लिए दुनिया के दरवाजे नहीं बंद कर सकते। हमें शादी जल्दी ही करनी होगी। तुम्हें मालूम है डैडी राजी नहीं होंगे और उनके आशीर्वाद के बगैर मैं शादी नहीं करूंगी। मैं उनको मनाऊंगा। वो कभी नहीं मानेंगे। मैं उनको जरूर मनाऊंगा, मैं मना लूंगा। वर्मा तुम? करमचंद मैं। कहो कैसे आना हुआ? मैं माफी मांगने आया हूं, तुम्हारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया। दोस्ती का हाथ? तुम्हें यकीन नहीं आएगा करमचंद, काश कि मैं अपना सीना चीर के तुम्हें दिखा सकूं, मगर भगवान की कसम मैं वाकई बदल चुका हूं। विश्वास नहीं तो हरिदास जी से पूछ लो। आप कौन है? आप हैं हरिदास, भगवान के भक्त, जिन्होंने अपने आश्रम में मेरे बेटे जय को अपनी औलाद से भी ज्यादा प्यार देकर पाला है। तो मैं क्या कर सकता हूं? दुश्मनी हम में तुम में थी, हमारे बच्चों का तो कोई कसूर नहीं। गुस्सा थूक दो, मुझे माफ कर दो, मैं हाथ जोड़ रहा हूं तुम्हारे साथ। देखो करमचंद, किसी को माफ कर देना ही इंसान का बड़प्पन होता है, बख्शता तो भगवान भी है। माफ तो मैं तुम्हें कर दूं, लेकिन मैं क्या बताऊं, कहते हुए शर्म आती है। मेरी जवान बेटी घर से भाग गई है। क्या? और मुझे पता भी नहीं है कि वो इस वक्त कहां होगी। कर्मांको, शीला मेरे साथ है। क्या? शीला तुम्हारे साथ है? जी हाँ, आपके आशीर्वाद की प्यासी है, चलिए आपका इंतजार कर रही है। Thank you.
वर्मा साहब, मेरा ख्याल है आप ही चलिए। शीला, 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 शीला। शायद मैं जानता हूँ शीला कहाँ है। ये सिगरेट उस हरामी डायमंड की है। अंकल, शीला की जान खतरे में है। मैं डायमंड के यहाँ जा रहा हूँ, आप पुलिस को चलो फोन कर दीजिए। शीला कहाँ है? डायमंड शीला को कहाँ ले गया? I don't know. Where has Diamond taken Sheila? Max's farmhouse.
तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। घबराओ नहीं बेबी, तुम अब मैक्स की मेहमान हो और मैंने तुम्हारा सौदा कर दिया है। सौदा? कैसा सौदा? तुम्हारी जवानी का सौदा, इन सुलगते हुए होंठों का सौदा, पूरे 50,000 pounds मिलेंगे। पूरे 50,000? होश में आओ डायमंड, मैं कहती हूँ मेरे हाथ खोल दो। ए हाथ अब हम नहीं खोल सकते, तुम अब मैक्स की अमानत हो। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैं बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। बच्चे की माँ? माँ बनने वाली हो। Like your style, baby. Sheila, pussycat. Come along, Sheila. Come along to me. Sheila! Come along to me. Come here, wait. Behind you before you go out. Bacche ki baat. Bacche ki baat. Oh.
No tricks. All right. Take my keys. But leave the girl. बेटे सारी उम्र मेरी तमन्ना रही कि तुम मुझे डैडी पुकार लो। डैडी सिर्फ एक बार मुझे डैडी कह के फिर से पुकार लो। डैडी जाओ बेटी, इस वक्त जय को तुम्हारी जरूरत है। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।